येवला शहरामध्ये रमजान ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। याप्रसंगी ईदगाह मैदान येथे मुस्लिम बांधवांनी नमाज पठण केलं। याप्रसंगी पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार नरेंद्र दराडे यांनी उपस्थित राहत सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। कोरोनाचा नियम उठल्यानंतर रमजान ईद हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होताना येवल्यामध्ये दिसून आला। आज देशामध्ये भडकाऊ भाषण सुरू आहे, याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करावं। ज्यावेळेस निवडणुका येतात त्यावेळेस असे भडकाऊ भाषण करत हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम आणि भांडण लावण्याचं काम करून त्याचा फायदा निवडणुकांमध्ये करून घेण्याकरिता या सर्व गोष्टी चालू आहेत। तरी कोणी कितीही भडकाऊ भाषण केलं तरी याकडे दुर्लक्ष करावं असं आवाहन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी येवल्यामध्ये रमजान ईद निमित्ताने मुस्लिम बांधवांना केलं। और वो मुझे बहुत ही भाई बहुत ही अच्छे लगे। इन्होंने जो कहा है मैं ज्यादा समझने लूंगा कि आपको तालीम लेना आवश्यक है, शिक्षा लेना आवश्यक, बच्चों को पढ़ाना आवश्यक है, लड़कियों को पढ़ाना आवश्यक है। आप सब लोग ध्यान रखें कि जब सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों को सिखाने के लिए स्कूल शुरू करने की कोशिश की, उस समय हिंदू हो या मुस्लिम हो लड़कियों को पढ़ाना गुनाह था। तो सावित्रीबाई फुले ने कहा कि नहीं, सबको जो है सीखना होगा, पढ़ाना होगा, लड़कियों को भी तालीम देना होगा। और उनका साथ किया था आपकी माँ भी है, सब लोग याद रखें। तो तब से जो हम बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, और राजीव साहब ने भी वही कहा कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देना जरूरी है। कोई अरबी सीखे, कोई उर्दू सीखे, कोई हिंदी सीखे, कोई मराठी सीखे, कोई गुजराती सीखे, मगर एक बात जो है ध्यान में रखना है कि सिर्फ वहां तक आपको नहीं रुकना है, आपको इंग्लिश भी जरूर पढ़ना है। अगर ज्ञान की भाषा दुनिया की जो है, हम लोग हमारा मोबाइल खोलते हैं बस इंग्लिश में समाता ये वो। तो आगे चलना चाहिए वहां तक नहीं, जहां तक हो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े हौदे के ऊपर हमारे लोग के IAS बने, तो ये काम हमको करना चाहिए। और उसके लिए उस तालीम के लिए जो जो भी आपको जरूरत है छगन भुजबळ और उनके सब साथी जो है यहाँ मौजूद है, हम पूरी जो है कोशिश करेंगे जो है शिक्षा के लिए तालीम के लिए कोई जो है कमी नहीं होगी। उसके लिए तो पहला नंबर है, पहला वो आप करें, हम लोग आप सबके साथ हैं। और एक बात जरूर करके मैं चाहूंगा कि आजकल जो है हमारे देश में जो है कुछ भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, ये सब जो बातें हैं, जब चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो हिंदू मुस्लिमों में एक दरार पैदा हो, आपस में झगड़े पैदा हो, और उसका फायदा उनको जो है इलेक्शन में हो, वो उनका मकसद है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ, आलमी इस्लाम के वतनों, हमारे हमवतन भाइयों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबादियां। तकरीबन 2 साल कोरोना पीरियड के अंदर तकरीबन हमारी इबादतगाहें और बिलखसूस हमारी ईदगाहें ये ईद की नमाजों से बिल्कुल वीरान थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान की रौनकें भी बहाल हुई और रमज़ान का जो जोश व खरोश होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बड़ी जोश व खरोश से रमज़ान मनाया गया। और आज बड़ी कसीर तादाद में हमारे ये लकड़कोट बड़ी ईदगाह में मुसलियान और हमारे शहर अजीज़ के और आस पड़ोस के खेड़े पाड़े से जो आने वाले हमारे अफराद हैं उन्होंने वो आए और यहाँ उन्होंने नमाज़ें पढ़ी और तमाम अपने मसाइल के लिए और दिगर तमाम हमारे मुल्क के हालात के पेश नज़र जो जो मसाइल है और जो वबाएँ हमारे ऊपर आई हैं, बीमारियां आई हैं, उन बीमारियों के लिए सब ने इज्तिमाई तौर पर दुआ की। और अल्लाह की बारगाह में हम भी दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन तमाम वबाओं से और बीमारियों से और आने वाली तमाम मसाइब से अल्लाह हमें, हमारे शहर को और हमारे मुल्क को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नजात अता फरमाए और सब पर रहम करम का मामला अता फरमाए। वाईट
न्यूज रिपोर्टर संतोष बटाव, एस एन मीडिया, येवला।